बॉय बॉय देखो कितना फ्लेम जा रहा है। और जरा ये जो ऊपर कोटिंग है ना मनाली के पुराने दिल्ली के जो चिकन है ना वहाँ पे उसका जो है याद दिलाता है। हाय फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं उत्तम नगर में और उत्तम नगर में आए हैं हम नम नम बॉक्स में। और ये उत्तम नगर में जो नम नम बॉक्स है वो डी और के ब्लॉक के क्रॉसिंग पे पड़ता है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं ना ये जाती है सीधा उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन। और उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से ये हार्डली 400 मीटर्स की दूरी पर है। और ये एक जो है ना बाल उद्यान रोड बोलते हैं इसको। और बाल उद्यान रोड पे ये है नम नम बॉक्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा यूनिक नेम। पे जो है ये छोटा सा काउंटर है और अंदर है सिटिंग एरिया जहाँ पे जो है ना आप फ्लेवरफुल डिशेस का टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए क्या एम्बियंस है इनका। और यहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ है तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पे आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं मील। काफ़ी मॉडर्न आर्ट का यूज़ किया गया। तो फ्रेंड्स आज हम आ गए हैं द नम नम बॉक्स में और मेरे साथ है यहाँ के जो है ऑनर क्रिस्टोफर। हाई एवरीवन, सो हमारे पास हड्डी चिकन होता है, तंदूरी पाइनएप्पल है, कीमा मीट है, अफगानी मोमोज है एंड ये हमारे पास वेराइटीज़ है, कॉर्न चाट है हमारे पास चाइनीज़ में एंड पैन फ्राइड नूडल्स है हमारे पास। तो फ्रेंड्स चलते हैं और इनके ना किचन में चेक करते हैं और क्या क्या वैरायटी है जो हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं आज। और साथ में देखते हैं कि यहाँ पे और क्या फ्लेवरफुल हो सकता है जो हम यहाँ पे कुक करते हुए देखेंगे और जो है यहाँ पे टेस्ट करेंगे। चले तो फ्रेंड्स ये है यहाँ का किचन, बट हाइजीन फर्स्ट। और ये देखिए ये यहाँ पे इनके जो है ना इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है सारे रखे हुए हैं पहले से कट और चॉप्ड करके। और ये है यहाँ का नम नम बॉक्स का किचन। और यहाँ पे ना इंटरनली एक तंदूर भी है, ये देखिए फ्रेंड्स। और अभी यहाँ पे हम प्रिपरेशन होते हुए देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवरफुल डिशेस की। ये है यहाँ के हेड शेफ मिस्टर मनोज। हेलो व्यूअर्स। और ये हैं उनके हेल्पिंग हैंड मिस्टर अर्जुन। हाय हेलो, मैं हूँ चाइनीज से, आपका कॉर्न चाट। ओके, जो कि बहुत ही बढ़िया आइटम है। फ्रेंड्स आपके ये देखिए ये बन रही है कॉर्न चाट। और यहाँ पे जो है ना जो हेल्पिंग शेफ है वो उसको अभी फ्राई कर रहे हैं और हेड शेफ जो है उसकी ग्रेवी मसाला जो बनाने में स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। फर्स्ट डालेंगे हम गार्लिक। ओके, थोड़ा जिंजर, थोड़ा ग्रीन चिल्ली, चॉप ऑनियन, चॉप कैबेज, चॉप कैरेट, चॉप कैप्सिकम रेड येलो, चॉप बीन, तो मिक्स कर लेंगे हम। साइड बाई साइड जो है कॉर्न जो है फ्राई हो चुके हैं और अब डालेंगे हम इसमें स्पाइसेस जो हमारे बनते हैं, टमाटो केचप, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली, ऑयस्टर, सॉल्ट, अभी ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, शुगर, विनेगर, मैगी सॉल्ट, फूड कलर। फ्रेंड देख रहे हैं यहाँ पर कितना फास्ट प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ के हेड शेफ। और ये ग्रेवी इसकी रेडी हो रही है, साथ साथ जो है ना इधर ये कॉर्न इधर फ्राई हो गए हैं। फ्रेंड ये देखिए गए चिकन तंदूर में और साथ साथ पाइनएप्पल भी। तो फ्रेंड ये देख रहे हैं अभी चिकन और पाइनएप्पल दोनों काफ़ी स्मोकी हो गए हैं और ये बन रहा है यहाँ पे। ये भट्टी चिकन जो है तंदूर से निकल गया है और ये इसमें स्पाइसेस वगैरह डाल के इनको रेडी कर लें। और ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी है भट्टी चिकन और साथ साथ ये देख रहे हैं यहाँ पे ये है तंदूरी पाइनएप्पल और इसको भी अभी प्रिपेयर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड ये भट्टी चिकन जो है सर्व कर रहे हैं प्लेटर में और दिखने में ये काफ़ी क्रिस्पी और यमी नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में इसको टेस्ट करने वाले हैं। तंदूरी पाइनएप्पल भी जो है रेडी हो गया है और
जो हमारे शेफ है यहाँ पे इसकी सर्विंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस पे ये चाट मसाला इन्होंने डाला है, साथ में कोरिएंडर लीव्स और लेमन, काफ़ी जो है स्पाइसी लग रहा है देखने में ही, काफ़ी यमी लग रहा है। और ऊपर से अमूल बटर। ये देखिए सर्व कर रहे हैं तंदूरी पाइनएप्पल। ये देखिए यहाँ पे जो है ना अफगानी मोमोज अभी तंदूर से बाहर आए हैं। ये बेसिक काजू के पेस्ट में बनाते हैं हम इसे। ओके, काजू का पेस्ट होता है इसमें, अमूल चीज होती है और दही और हैंड कर्ड होता है मिक्स। ओके ओके, चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है, सारे स्पाइसेस भी डाले जाते हैं। और इसको कितना टाइम लगता है बनने में, ये जो बैटर है इसका? इसका बैटर बनने में कम से कम हमें 1 से 2 घंटे लगते हैं। ओके, ये अफगानी मोमो है इंडियन स्टाइल, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं अभी प्रिपेयर होते होते, मन कर रहा है उठा के खा लो। और यहाँ पे बहुत कुछ है खाने पीने को, ये है रुमाली रोटी और गार्लिक नान, साथ में अफगानी मोमोज और कीमा मीट, साथ में आपका कॉर्न क्रिस्पी कॉर्न चाट और पाइनएप्पल रायता, साथ में बट्टी चिकन और ये है आपका पाइनएप्पल तंदूरी पाइनएप्पल। तो मेरे साथ हेल्प करने के लिए है यहाँ के ऑनर क्रिस, आप इधर आएंगे थोड़ा? हाँ जी। तो फ्रेंड ये है यहाँ के ऑनर क्रिस, और अभी हम करने वाले हैं छोटा सा फूड टेस्टिंग रिव्यू, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये है आपका तंदूरी पाइनएप्पल। फ्रेंड ये है तंदूरी पाइनएप्पल, और ये तंदूरी पाइनएप्पल और पाइनएप्पल देखिए कितने अच्छे पीस, कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं। और ऊपर जो है काफ़ी अच्छी कोटिंग है, क्रिस्पी, काफ़ी स्पाइसी और अंदर से काफ़ी यूनिक, तो एकदम यूनिक कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अटके। सो हमारा जो ये स्पेशल प्रिपरेशन है इसमें ऊपर हमेशा स्पाइसी रहता है और अंदर से मीठा और जूसी रहेगा, सो वो कॉम्बिनेशन बहुत हिट करता है लोगों को, बहुत यूनिक है, आपको ट्राई करना चाहिए। आप लीजिए ना, ये है बट्टी चिकन, और बट्टी चिकन में जो है काफ़ी जो है ऊपर से बटर की कोटिंग है विद सम स्पाइसेस, और ट्राई करते हैं। ग्रेट टेस्ट, चिकन ऊपर से जो है क्रिस्पी है और अंदर से काफ़ी मॉइस्ट, काफ़ी बहुत अच्छा बना है, आपको एक बार आकर ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। और मेरे को तो इसका जो है ना ये जो ऊपर कोटिंग है ना मनाली पुराने दिल्ली के जो चिकन है ना वहाँ पे, उसका जो है याद दिलाता है। अब है ये कीमा मीट, और अब हम जो है मैं तो इसको ट्राई करने वाला हूँ रुमाली रोटी के साथ, मैं ट्राई करूँगा गार्लिक नान। तो यहाँ पे जो है गार्लिक नान जो है काफ़ी टेस्टी यम्मी बनाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये कितने अच्छे जो है बड़े बड़े जो है मीट के पीसीज यहाँ पे कीमा के साथ सर्व किए जाते हैं। और मज़ा आ गया, पुरानी दिल्ली में जो है ना याद दिला दी, जो पुरानी दिल्ली का जायका होता है ना बहुत बढ़िया। आपको ये उत्तम नगर में ही मिलेगा, और उत्तम नगर में भी बहुत रिजनेबल प्राइस में, और बहुत ही ये आपको आइडिया कहाँ जाए ये ओपन करने का, ये लाइक मॉमनम बॉक्स। सो जैसे कि मैं आपको बताते भी आया हूँ बीच में कि हम लोग टेस्ट को लोगों के पास लाना चाह रहे हैं, हम लोगों ने एक ऐसे एरिया में ओपन किया इसको जहाँ पे लोगों ने कभी बिलीव नहीं किया था कि हम लोग उनको ये टेस्ट दे पाएंगे। फैक्ट है, ये बात तो वाकई फैक्ट है, इतना अच्छा यम्मी टेस्ट आपको उत्तम नगर में मुश्किल से ही मिलेगा। हमारे शेफ्स की और हमारी बहुत मेहनत लगी इसमें कि हम लोग जो एक्चुअल टेस्ट होना चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स डलने चाहिए विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़, विदाउट एनी कॉस्ट कटिंग, विदाउट एनी
कि ये आइटम्स नहीं डल लें या ये आइटम्स हम सेव कर लेते हैं बिना उसके, हम लोगों ने ये स्टार्ट करी है एंड कॉस्टिंग को बहुत मेजरली ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये मैंने देखा काफ़ी रीजनेबल प्राइस है और वैल्यू फॉर मनी तो है, साथ में टेस्ट भी सुपर सुपर है। मैं एक बार आपकी बात गार्लिक नान के साथ, गार्लिक नान ट्राई करें, फ्रेंड्स कीमा बड़ा सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया। जब आपके पास कुछ कहने वाली होता तो बस एक ही बार निकलता, बहुत बढ़िया बढ़िया। और एक साउंड जो हमारा पेटेंट है, जो हमारा ट्रेडमार्क है, नॉम नॉम बॉक्स, सो जब हम खाते हैं सो वही द नॉम नॉम साउंड, व्हेन यू लव योर फूड जो पसंद आता है। मस्ट विजिट प्लेसेस, आप आइए एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। फ्रेंड ये है अफगानी, अफगानी मोमोज, और ये जो है ना अफगानी मोमोज बने हैं काजू की ग्रेवी के साथ विद लॉट्स ऑफ अमूल बटर है, चीज़ बहुत ही अंदर से फ्लेवरफुल है, ऊपर से सॉफ्ट मोमोज है ना, ये आपको चिली सॉस के साथ विथ ग्रीन जो है पुदीना चटनी के साथ मिलता है, और काफ़ी जो है अंदर से काफ़ी फ्लेवरफुल है, ऊपर से बटरी है और काफ़ी जो है थोड़ा क्रिस्पी है, थोड़ा मॉइस्ट है। ये है पाइन एप्पल रायता, ये है कॉर्न चाट, कॉर्न चाट क्रिस्पी, कॉर्न चाट क्रिस्पी, कॉर्न चाट, और ये भी यहाँ की सिग्नेचर डिश है जो आपको उत्तम नगर में नहीं मिलने वाली है। अगर आपको टेस्ट करना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा, तो पैन मैं क्रिस्पी कॉर्न चाट ट्राई करता हूँ, बहुत ही बहुत कमजा पाइन एप्पल का टेस्ट अलग से आ रहा है। कस्टर्ड आप ट्राई किया होगा, कस्टर्ड जैसा फ्लेवर है और काफ़ी यम्मी फ्लेवर है, एकदम स्वीट, थोड़ा सा पाइन एप्पल का टेस्ट और ऊपर लीफियस। फ्यूचर में कुछ आपका प्लान है इसका एक्सपेंड करने का, कुछ मेन्यू को जो और भी आप फ्लेवरफुल हमें टेस्ट कराने जाएंगे? सो हम लोग अभी इस मेन्यू को एक्सपैंड कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको काफ़ी आइटम्स मिलेंगे, चिकन कोरमा, चिकन निहारी, खमीरी रोटी, और ये सारे आइटम्स भी आपको ऐड होते हुए मिलेंगे, एंड फिश पकौड़ा ऐड होगा, एंड वेज में कई आइटम्स हैं जो कि हम लोग ऐड करेंगे, चाप रोल्स हो गए आपके, तंदूरी सोया चाप्स हम आज भी देते हैं, और उसके अंदर भी हम वेरिएशंस लाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें कुरकुरे सोया चाप हो गए, कुरकुरे स्प्रिंग रोल्स हम लोग ऐड करेंगे। सो ऐसे कई सारे आइटम्स हैं जो कि हम नेक्स्ट ईयर इस चीज़ को ऐड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। आई होप कि आप लोग जरूर आएंगे। कॉर्न चाट है फ्रेंड्स, और सच में ये स्वीट कॉर्न का बहुत अच्छा फ्लेवर है, जैसे आप कुरकुरी चाट खाते हैं आलू की, उसके जैसे थोड़ी सी क्रिस्पी, और इसमें फ्रूट्स भी हैं और वेजिटेबल्स भी हैं और साथ में कॉर्न भी है, स्वीट कॉर्न बहुत बहुत फ्लेवरफुल है। मतलब अगर आपने रायता ले लिया और जो है कॉर्न चाट ले लिया तो आपका ये फिर बजाना है, और यहाँ पे ना वैल्यू फॉर मनी के साथ साथ में क्वालिटी के साथ साथ क्वान्टिटी भी अच्छी दी जाती है। आप देखिए रायता कभी भी आपको जो है इतना भर के नहीं मिलने वाला है, और ये पूरा पूरा हांडी में पूरा फिल करके ऊपर है, और सच में बहुत बहुत यमी है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगे तो शेयर भी करें, हम तो शेयर करेंगे, आप इसी में शेयर करेंगे, और यहाँ पे आके एक बार मस्त है ट्राई करना।